पहले तो आपका व्यू लूंगा मैं आज के एक्सीडेंट ऑफ द डे पर। कोफोज 9% नीचे। धन्यवाद अनुज भाई, सादर प्रणाम आप सभी को हमारे तरफ से और शुभ प्रभात। डिस्क्लोजर देना अनिवार्य होगा, पहले तो कोफोर्स पर काफी लंबे समय से हमारी खरीदारी की राय रही है और इस प्रकार के मेरे ख्याल से दुर्घटना मिड कैप आईटी कंपनियों में हमने तीसरे तिमाही में भी आते हुए दिखी थी और इस चौथी तिमाही के जो नतीजे देख रहे हैं वहां पर भी दिखे हैं। कुछ मझौली मिड कैप आईटी कंपनियों में नतीजों के आधार पर एक बाजार में नीचे की तरफ के दायरे। मैं मानता हूं अनुज भाई कि ये एक हाथ तिमाही का शायद थोड़े बहुत जो आंकड़े आए हैं वो निराशाजनक आए हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि निरंतर आपको यहाँ पर इस प्रकार के नतीजे आते हुए दिखेंगे और हमारी सोच और विचारधारा अनुज ये भी कहती है कि शायद ये न्याय वित्तीय वर्ष जो शुरू हुआ है दूसरे तिमाही के पश्चात भारतीय आईटी कंपनियों के नतीजों में आपको जो सुधार है और उसकी गति है वो धीरे धीरे करके तीव्र होती हुई नजर आएगी। छोटी मध्यम अवधि का तो पता नहीं, लेकिन अगर आपकी निवेश की विचारधारा लंबी अवधि के लिए तो पहले तो बना करके रखें निवेश, और अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है या फिर आप थोड़ा करेक्शन का इंतजार कर रहे थे निवेश करने के लिए, तो ये 8-9% का करेक्शन जो हम देख रहे हैं वो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा मौका है निवेश करने के लिए और निवेश बढ़ाने के लिए। तो क्लियरली आप कह रहे हैं कि एक अपॉर्चुनिटी है। ये सिग्निटी वाली डील आपको पसंद है, ये सिग्निटी वाली डील आपको पसंद आई है फिर गौरांग जी? वैल्यू क्रिएटिव होगा हर्षदा, एकदम से नहीं लेकिन डेफिनेटली ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम योगदान बिल्कुल देना चाहिए। तो डिप पर शायद एक खरीदारी का मौका आपको ये स्टॉक देगा।